तो आज मैं सर्वाइव करने वाला हूँ 100 डेज एंटार्क्टिका में। ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है क्योंकि ना ही तो यहाँ पे कोई एनिमल्स है ना ही कोई रिसोर्सेज, और यहाँ पे हर समय बहुत ज्यादा ठंड रहती है जिसकी वजह से मैं कभी भी मर सकता हूँ। और इस वीडियो को थोड़ा और डिफिकल्ट बनाने का मेरे पास कुछ गोल्स भी है। तो मेरा पहला गोल है मेरे लिए एक बहुत ही ऑसम सा घर बनाना, मेरा दूसरा गोल एक पूरे विलेज को ज़ॉम्बीज से प्रोटेक्ट करना, एंड फाइनली एंडर ड्रैगन एंड विदर को डिफीट करने के बाद एक फुल मैक्स आउट बीकन बनाना। तो चलिए इस वीडियो को जल्द करते शुरू और देखते कि क्या मैं सर्वाइव कर पाया 100 डेज इन एंटार्क्टिका इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। तो डे वन को मैं स्पॉन हुआ एंटार्क्टिका में, और पहले दिन बहुत ही खतरनाक यहाँ पे तूफान चल रहा था और बहुत ज्यादा ठंडी थी। तो यार सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक ट्री दिख गया जिसको मैं जल्द चला गया माइन करने के लिए। और भाई सच बता रहा हूँ, इतनी ज्यादा ठंड थी कि हाथ जम गए थे और काम ही नहीं कर रहे थे। पर यार कैसे भी करके मैंने यहाँ पे इन वुड माइन कर लिया, जल्दी से एक क्राफ्टिंग टेबल बना लिया एंड एक वुडन पिकैक्स बना लिया। फिर यार इसके बाद मैं चला गया नीचे थोड़े बहुत कॉबलस्टोन माइन करने के लिए, और भाई इसी बहाने मैं थोड़ा गर्म भी हो जाऊंगा। इनफ कॉबलस्टोन माइन करने के बाद मैंने यहाँ पे सारे कॉबलस्टोन के टूल्स बना लिए, और अब मैं मॉब से तो प्रोटेक्टेड हूँ बट यार ठंड तो अभी भी लग रही थी। फिर भाई इतनी ज्यादा ठंड में मुझे एक उम्मीद की किरण दिखी, बहुत ज्यादा दूर मुझे यहाँ पे एक लावा पिट मिला, तो मैं जल्दी से वहाँ पे चला गया। और यहाँ पे लावा पिट के आसपास बहुत ज्यादा गर्मी थी तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, एंड सामने मुझे थोड़ा बहुत कोल भी दिख गया। तो यार सोने पे सुहागा होने के बाद मैंने यहाँ पे सारे कोल एंड आयरन को कलेक्ट कर लिया, एंड देन मैंने आयरन को स्मेल्ट होने के लिए दे दिया। फिर यार आयरन स्मेल्ट होने के बाद मैंने यहाँ पे बाकी कोल से थोड़े बहुत टॉर्चेस बना लिए, जैसे कि मैं यहाँ पे मॉब से प्रोटेक्टेड रहूँ, एंड बाकी आयरन के शील्ड बना लिए। और अब मुझे लगता नहीं कि कोई मुझे छू पाएगा। तो भाई ऐसे ही अपनी तारीफ मैं कर रहा था, लेकिन यार इसको सुन के बहुत सारे मॉब्स मेरे पीछे ही पड़ गए थे। मतलब पहले ज़ॉम्बी को तो मैंने इजिली मार दिया, बट इसके बाद जो स्पाइडर है उसने मेरी हालत खराब कर दी। मतलब यार लिटरली मैंने जो कहा स्पाइडर ने तो अपनी दिल पे ले ली। और इसके बाद एक असली योद्धा जैसे मैं वहां से भाग गया। मतलब यार मैं करता तो करता क्या, यह स्पाइडर इतना ज्यादा डेंजरस था कि और एक हिट और मेरा खेल खत्म हो जाता। तो स्पाइडर्स और बाकी मॉब्स के डर से पूरी रात मैंने एक गुफा पे बिताई, एंड यार सुबह हो गई थी और मैं चला गया बाहर। और सुबह को काफी सारे मॉब अपने आप मर रहे थे, तो उनके मैंने लास्ट में रॉटन फ्लेश एंड बोन मिल को भी कलेक्ट कर लिया। और इसी बीच मुझे यहाँ पे एक चिकन मिल गया जिसको मैंने बहुत ही ज्यादा प्यार से हाय बोला। चलो कुछ तो काम आया चिकन, कम से कम मेरी पेट की भूख ही मिट गई। तो खाना पीना होने के बाद मैं चला गया थोड़े बहुत एक्सप्लोरेशन करने के लिए, एंड यार सामने मुझे एक इग्लू मिल गया। अब इस इग्लू के अंदर एक क्राफ्टिंग टेबल था, एक फर्नेस था, एंड सबसे इम्पोर्टेंट एक बेड था। और जैसे कि मैं बहुत बड़ा नूब हूं तो मुझे लगा ये इग्लू हिडन रूम वाला इग्लू है, तो मैंने इसके नीचे माइन किया बट मुझे कुछ भी नहीं मिला। पर भाई इग्लू के आसपास घूमते घूमते मुझे यहाँ पे एक विलेज दिख गया। मतलब लिटरली इग्लू के जस्ट 30 ब्लॉक दूर एक विलेज था, तो जल्दी से मैं चला गया उस विलेज को लूटने के लिए। एंड सबसे पहले ही घर में मुझे बहुत ही खतरनाक एक चेस्ट मिल गई, एंड उसके अंदर बहुत ही ओपी सामान था, जैसे कि यहाँ पे थोड़े बहुत लेदर थे एंड थोड़े बहुत लेदर के गियर थे। फिर दूसरे घर से मुझे एक स्मोकर मिल गया, वो अलग बात है कि अपने पास खाना ही नहीं है तो स्मेल क्या करूँ। देन यार मुझे यहाँ पे एक ब्लैकस्मिथ का घर मिल गया, एंड इसके चेस्ट के अंदर बहुत ही खतरनाक सामान था, जैसे कि आयरन के थोड़े बहुत गियर थे, थोड़े बहुत एप्पल थे एंड ऑब्सीडियन था। तो ये सब कलेक्ट करने के बाद मुझे एक प्यारा सा छोटा सा घर पसंद आ गया, एंड उसके अंदर मैं चला गया और उस घर को कैप्चर कर लिया। मतलब यार अब टेंशन मत करो, उस विलेजर को मैं अलग सा घर दे दूंगा। देन यार सारे सामान चेस्ट में रखने के बाद अपने पास यहाँ पे एक हो बना लिया, एंड यहाँ पे जितने भी पोटैटो थे उसको मैंने प्लांट कर दिया। और अब मेरे पास यहाँ पे एक फार्म है जो कि मुझे इन्फिनाइट सोर्स ऑफ फूड देते रहेगा। देन यार इतने में बहुत ज्यादा रात हो गई थी तो मैं सो गया, एंड सुबह को मैंने यहाँ पे थोड़े बहुत फेंसेस बना लिए एंड अपने घर के पास एक छोटा सा एरिया बना लिया। एंड अब मैं यहाँ पे शीप्स एंड काउस को रख सकता हूँ और उनको भी फार्म कर सकता हूँ। तो भाई शीप्स तो मुझे पास वाले घर से मिल गए जिसको मैंने लाया एंड अपने फार्म में रख दिया, बट बहुत ज्यादा ढूंढने के बावजूद मुझे काऊ नहीं मिला। चलो यार कोई बात नहीं, बाद में कभी मैं काऊ ढूंढ लूंगा, अभी तो शीप से ही काम चलाना पड़ेगा। देन यार इसके बाद मैं चला गया थोड़े बहुत वुड माइन करने के लिए, क्योंकि अपने पास इस वर्ल्ड में वुड की काफी ज्यादा कमी है। इनफ वुड माइन करने के बाद मैंने यहाँ पे एक फ्लेचिंग टेबल बना लिया, एंड देन मैं चला गया थोड़े बहुत यहाँ पे एमराल्ड्स कलेक्ट करने के लिए। तो यार इसके बाद मैंने यहाँ पे एक विलेजर के साथ बहुत सारी ट्रेडिंग कर ली, एंड काफी सारे एमराल्ड्स कलेक्ट करने के बाद मैं चला गया एक फार्मर के पास बहुत सारे बेड्स कलेक्ट करने के लिए। एंड अब अपने पास फाइनली खाना है और हम लोग यहाँ पे भूख से तो नहीं मरने वाले। देन भाई इसके बाद मैं ऐसे ही घूम रहा था और मुझे एक बहुत बड़ा रैविन दिख गया जिसके अंदर काफी सारे कोल एंड आयरन थे, तो जल्दी से मैं चला गया बहुत सारे आयरन कलेक्ट करने के लिए। देन यार रैविन के नीचे मुझे यहाँ पे एक माइन शाफ्ट भी मिल गई थी, बट यार माइन शाफ्ट के अंदर काफी सारे यहाँ पे मॉब्स थे जो कि मुझे कभी भी मार सकते थे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक ज़ॉम्बी को मारा एंड अपने पूरे आयरन को स्मेल्ट होने के लिए दे दिया। फिर थोड़ी देर वेट करने के बाद अपना पूरा आयरन यहाँ पे स्मेल्ट हो चुका था, जिसको मैंने जल्द से कलेक्ट किया एंड पूरा आयरन का आर्मर एंड टूल्स बना लिया। एंड अब यार हम लोग काफी ज्यादा प्रोटेक्टेड है, एंड अब तो हम लोग को क्रीपर से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है।
हाँ वो अलग बात है कि मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे आयरन वेस्ट कर दिए, एक हेलमेट, एक बूट्स एंड एक यहाँ पे स्वॉर्ड बना के। तो यार अपने आयरन को रिकवर करने के लिए मैं चला गया माइनशाफ्ट के अंदर एंड उसके अंदर मुझे एक चेस्ट मिला जिसमें गोल्डन इंचांटेड एप्पल था। मतलब यार लिटरली पहले चेस्ट से मुझे गॉड एप्पल मिल गया था और अब तो मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। देन मैंने थोड़े बहुत और चेस्ट देखे और उसमें भी बहुत ही मस्त मुझे लूट मिल गई थी, तो मैंने उसको भी कलेक्ट कर लिया। फिर यार काफी देर यहाँ पे माइनिंग करने के बाद मैं चला आया घर वापस एंड यार अपने पास बहुत ही औसम सामान थे। तो सबसे पहले तो मैंने अपने प्यारे प्यारे शीप को फीड करवा दिया। देन मुझे यहाँ पे एक घोड़ा दिखा और अपने पास यहाँ पे सैडल भी था, तो जल्दी से मैंने इस घोड़े को टेम कर लिया। और भाई सच बताओ तो इस घोड़े का बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड था क्योंकि ये टेम ही नहीं हो रहा था, लेकिन काफी देर कोशिश करने के बाद फाइनली ये टेम हो गया। तो यार जैसे कि अपने पास घोड़ा था तो मैं चला गया थोड़े बहुत एक्सप्लोरेशन करने के लिए और बहुत सारे विलेजेस ढूंढने के लिए। एंड काफी देर ऐसे ही भटकने के बाद मुझे एक रुइन नेदर पोर्टल मिल गया जिसके अंदर एक बहुत ही ऑसम सा चेस्ट था, लेकिन यार यहाँ पे एक भी गोल्ड का ब्लॉक ही नहीं था। तो मैंने यहाँ पे चेस्ट को ही चेक किया एंड इसके अंदर खतरनाक पूरे गोल्ड के आर्मर थे जिसको मैंने कलेक्ट कर लिया। एंड इसके बाद मुझे काफी सारे शुगर केन मिल गए और अपने पास शुगर केन भी नहीं थे, तो मैंने काफी सारे शुगर केन भी कलेक्ट कर लिए। देन यार इसके बाद फाइनली मैं अपने घर वापस चलाया एंड बीच में मुझे एक विलेज भी मिला था जिसके अंदर से मुझे एक ब्रूइंग स्टैंड मिल गया। और आप ये बाकी सारे सामान भी देख सकते हो जो कि मुझे विलेज से मिला है एंड बाकी सारे स्ट्रक्चर से मिला है। तो भाई इसके बाद मैं चला गया अपने पास वाले लेक में अपने सारे शुगर केन्स को प्लेस करने के लिए, पर यहाँ पे काफी देर ठंड की वजह से अपना पूरा लेक यहाँ पे बार बार जम जा रहा था, तो मैंने यहाँ पे थोड़े बहुत टॉर्चेस प्लेस कर दिए एंड उसके बाद शुगर केन भी प्लेस कर दिया। तो भाई शुगर केन प्लेस करते करते मुझे ऐसा लगा कि अपना घर बहुत ज्यादा छोटा है एंड पास में मुझे एक बहुत ही ऑसम सा जगह मिल गया, तो मैंने सोचा इसको अपना नया घर बनाने का और जल्दी से मैंने उस जगह को क्लियर करना स्टार्ट कर दिया। तो यार फाइनल अपना जगह यहाँ पे क्लियर हो चुका था, बट अपने पास सामान रखने के लिए कोई भी चेस्ट ही नहीं था, तो मैंने सोचा एक छोटा सा चेस्ट रूम बनाने का। पर मुझे अपनी औकात याद आ गई और अपने पास यहाँ पे वुड भी नहीं थे, तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा स्टोरेज सिस्टम बना लिया। तो यहाँ पे काफी देर की मेहनत के बाद अपना फाइनली फार्म एंड स्टोरेज रूम बन के हो चुका था रेडी, जो कि बहुत ही ज्यादा ऑसम लग रहा था अभी के लिए। तो ये बहुत ज्यादा छोटा स्टोरेज सिस्टम है जहाँ पे काफी सारे चेस्ट रखे हुए अपने ब्लॉक्स के लिए एंड यहाँ पे छोटा सा फार्म है जहाँ पे अपने सारे एनिमल्स रहेंगे। तो भाई अपना रहने का जगह तो यहाँ पे सेट हो चुका था, बट अपने पास यहाँ पे डायमंड नहीं थे, तो थोड़े बहुत शुगर केन कलेक्ट करने के बाद मैं चला गया यहाँ पे माइनिंग करने के लिए। तो यार फाइनल मैंने यहाँ पे काफी सारे डायमंड कलेक्ट कर लिए थे एंड उसके साथ ही साथ मुझे और भी बहुत सारे ओर्स मिल गए थे, तो मुझे यहाँ पे 37 डायमंड्स, एक स्टैक आयरन का ओर एंड यहाँ पे काफी सारे लैपिश मिल गए थे। तो जल्दी से मैंने सारे आयरन एंड गोल्ड के ओर को यहाँ पे स्मेल्ट करने के लिए दे दिया एंड डायमंड से मैंने पूरा डायमंड का आर्मर एंड टूल्स बना लिया। एंड अब अपने पास डायमंड का आर्मर तो है, बट यार ये इंचांटेड नहीं है, लेकिन इसको इंचांट भी बाद में हम लोग कर लेंगे। देन भाई इसके बाद मैं चला गया थोड़े बहुत छोटे मोटे काम करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे थोड़ा बहुत मैंने अपना फार्म को हार्वेस्ट कर लिया एंड अपने छोटे मोटे एनिमल्स को भी फीड करवा दिया। और भाई इसी बीच मुझे यहाँ पे 2 काउज मिल गए थे, तो जल्दी से मैंने उनको लाया अपने फार्म के अंदर रखा एंड उनको भी ब्रीड करवा दिया। एंड अब अपने पास इन्फिनाइट सोर्स ऑफ लेदर भी है, लेकिन अभी के लिए फिलहाल तो हम लोग को यहाँ पे नेदर जाना था क्योंकि हम लोग को चाहिए था यहाँ पे थोड़े बहुत ब्लेज रॉड। तो जल्दी से मैं चला गया थोड़े बहुत ऑब्सीडियन कलेक्ट करने के लिए। इनफ ऑब्सीडियन होने के बाद मैं अपने घर वापस चलाया एंड एक छोटा सा नेदर पोर्टल बना लिया, और ये नेदर पोर्टल बहुत ही ज्यादा फीका लग रहा था, तो इसको थोड़ा डेकोरेट भी मैंने कर लिया। फिर भाई इसी बीच यहाँ पे एक वॉन्डरिंग ट्रेडर स्पॉन हो गया था जो कि एक जंगल की सैपलिंग दे रहा था, और अपने पास यहाँ पे एक भी एमरल्ड नहीं था, तो जल्दी से मैंने इसको बोट पे बैठाया और चला गया थोड़े बहुत एमरल्ड्स कलेक्ट करने के लिए। फिर थोड़े बहुत एमरल्ड्स कलेक्ट करने के बाद मैं अपने घर वापस चलाया एंड वॉन्डरिंग ट्रेडर के साथ थोड़ी बहुत ट्रेडिंग कर ली। एंड अब भाई फाइनली अपने पास यहाँ पे 2 टाइप के वुड है, एक अपने पास स्प्रूस एंड एक जंगल। तो इसके बाद रात हो चुकी थी, तो मैं चला गया सोने के लिए एंड नेक्स्ट डे मैं चला गया यहाँ पे नेदर में थोड़ा बहुत एक्सप्लोरेशन करने के लिए। और भाई अपना स्पॉन बहुत ही ज्यादा ऑसम था, मतलब लिटरली अपने स्पॉन के पास एक बैस्टियन था और उस बैस्टियन के अंदर बहुत ही ऑसम से चेस्ट भी थे। तो अपने लालच को ना कंट्रोल करते हुए मैं चला गया बैस्टियन के अंदर एंड थोड़े बहुत चेस्ट को भी लूट लिया। फिर यार बैस्टियन के और नीचे जाते वक्त मुझे यहाँ पे नेदर वॉट मिल गया और एक चेस्ट मिल गया एंड उसमें भी बहुत ही ऑसम सी लूट थी। एंड अब यार अपने पास लूट तो बहुत अच्छी आ चुकी थी, बट यार अब अपने को जाना था नेदर फोर्ट्रेस थोड़े बहुत प्लेस रॉट कलेक्ट करने के लिए, तो मैं चला गया डायरेक्टली फोर्ट्रेस को। काफी देर यूं ही भटकने के बाद मुझे यहाँ पे फाइनली एक नेदर फोर्ट्रेस मिल गया था एंड उसके अंदर भी मुझे काफी सारे नेदर वॉट मिल चुके थे, तो उसको भी मैंने जल्द से कलेक्ट कर लिया। देन यार रास्ते में थोड़े बहुत ब्लेजेस का सामना करते हुए मुझे यहाँ पे एक चेस्ट मिल गया था एंड उसमें एक हॉर्स आर्मर था, तो मैंने उसको भी कलेक्ट कर लिया एंड और भी काफी सारे ब्लेजेस का लड़ लिया। इनफ ब्लेज रॉड कलेक्ट करने के बाद मैं अपने घर वापस आ गया एंड अपने पास यहाँ पे 10 ब्लेज रॉड्स एंड यहाँ पे हॉर्स का आर्मर भी था।
तो मैं अपने प्यार से घोड़े के पास जल्दी से चला गया एंड उसको ये हॉर्स आर्मर पहना दिया। एंड अब यार ये बहुत ही ज्यादा ऑसम लग रहा है यार दिखने में। देन यार इसके बाद मैं चला गया थोड़े बहुत शुगर केन कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि अब मुझे बनाना था यहाँ पे एक एन्चेंटमेंट टेबल एंड थोड़े बहुत बुक्स। एंड इन टोटल अपने पास यहाँ पे 17 लेदर थे, जिससे मैंने यहाँ पे एक एन्चेंटमेंट टेबल एंड 5 बुक शेल्स बना लिया। अब यार अभी के लिए तो ये मैक्स आउट एन्चेंटमेंट नहीं दे सकता था, लेकिन फिर भी मैंने अपने एक्स को यहाँ पे एन्चेंट कर लिया, क्योंकि मुझे जाना था थोड़े बहुत यहाँ पे वुड माइन करने के लिए। एंड यार एफिशिएंसी 1 मिलने के बाद मैं चला गया यहाँ पे थोड़े बहुत वुड कलेक्ट करने के लिए। तो यार अपने पास यहाँ पे बहुत सारे वुड आ चुके थे एंड अब मैं फाइनली जा सकता हूँ क्लरिक के साथ ट्रेड करने के लिए। एंड क्लरिक के साथ मुझे इसलिए ट्रेड करना है क्योंकि उसको अगर मैं मैक्स आउट करता हूँ तो वो मुझे एंड अप पल दे सकता है एंड उस एंड अप पल को मैं डायरेक्टली कलेक्ट कर सकता हूँ। तो भाई काफ़ी सारे स्टिक्स बनाने के बाद मैं डायरेक्टली चला गया फ्लेचर के पास बहुत सारे एमरल्ड्स कलेक्ट करने के लिए। एंड इनफ एमरल्ड कलेक्ट करने के बाद मैं चला गया यहाँ पे क्लरिक के साथ ट्रेड करने के लिए। और भाई क्लरिक के भी नखरे कम नहीं है, बहुत देर तक इसके साथ ट्रेड करना पड़ा एंड तब जाके ये मुझे एंड अपल दे रहा था। लेकिन कुछ भी हो यार, इजीली मुझे यहाँ पे एंड अपल मिल गए थे, जिसको मैंने जल्द से कलेक्ट किया और अपने घर वापस चला आया। और अब भाई अपना फाइनली टाइम था घर बनाने का, क्योंकि अपने पास काफी सारे वुड थे, तो जल्द से मैंने अपने घर के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। तो फाइनली अपना घर बन के यहाँ पे हो चुका था रेडी, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑसम लग रहा था। मतलब लिटरली सामने से अगर देखोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखता है एंड साइड से भी ये इतना ही सुंदर दिख रहा था। और भाई अगर आप अंदर जाओगे तो यहाँ पे भी बहुत बड़ा स्पेस है, जिसको मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है, लेकिन मैं यहाँ पे बाद में ब्रूइंग स्टेशन एंड एन्चेंटमेंट टेबल सेटअप कर दूंगा। और ऊपर में मेरा बेडरूम है, जहाँ पे मैं सोता हूँ और आराम से सीनरी देखता हूँ। तो यार कमेंट डाउन करके ज़रूर बताना आपको ये घर कैसा लगा और 10 में से आप इसको कितना रेट देना चाहोगे। देन यार लास्ट बार के लिए मैंने अपने काउस को यहाँ पे फीड करवा दिया और उनको ही मैंने दोबारा मार दिया, क्योंकि मुझे लेदर और खाने की ज़रूरत थी। एंड फाइनली मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारे लेदर हो चुके थे, तो जल्दी से मैंने बाकी के बुक्स भी बना लिए। एंड देन अपने एन्चेंटमेंट टेबल को मैंने यहाँ पे सेटअप कर दिया और अब हम लोग यहाँ पे फाइनली एन्चेंटमेंट कर सकते हैं और पूरे आर्मर को मैक्स आउट कर सकते हैं। तो भाई अपने पास लेवल्स भी यहाँ पे 35 थे, तो जल्दी से मैंने अपने पूरे आर्मर को एन्चेंट करना स्टार्ट कर दिया। तो यार अपना आर्मर यहाँ पे फुल्ली इंचैंट हो चुका था एंड अभी के लिए तो उसमें उतने भी अच्छे इंचैमेंट नहीं है, जैसे कि प्रोटेक्शन लगा हुआ है, प्रोटेक्शन 3 लगा हुआ है एंड अनब्रेकिंग और शार्पनेस लगा हुआ है। पर यार बाद में जब हम लोग एंडर ड्रैगन को डिफीट कर लेंगे तो अपने पूरे आर्मर को मैक्स आउट इंचैंट कर लेंगे। और भाई इसी बात पे हम लोगों ने यहाँ पे आई ऑफ एंडर बना लिए और चले गए अपने एंडर ड्रैगन को डिफीट करने के लिए, क्योंकि भाई एंडर ड्रैगन को तो मैं वुडन स्वॉर्ड से भी डिफीट कर लूँ। तो काफ़ी देर एक्सप्लोर करने के बाद मुझे यहाँ पे फाइनली अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल चुका था और इतने डेंजरस प्लेस में मैं अपने घोड़े को तो नहीं ले जा सकता, तो मैंने उसको फेंस में बांध दिया और चला गया स्ट्रॉन्ग होल्ड के लिए। एंड भाई आते के साथ ही साथ मुझे यहाँ पे एक चेस्ट मिला था, जिसमें बहुत ही ऑसम सी लूट थी, तो मैंने सबको कलेक्ट कर लिया। एंड यहाँ पे लाइब्रेरी के अंदर भी मुझे बहुत अच्छी अच्छी बुक्स मिल गई। देन इसके बाद मैं पोर्टल रूम चला गया, अपने यहाँ पे स्पॉनर को तोड़ दिया एंड पोर्टल को एक्टिवेट करने के बाद डायरेक्टली चला गया एंड में। और उसके बाद मैंने एंडर ड्रैगन के सारे क्रिस्टल्स को फोड़ना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इजी था मेरे लिए। एंड सारे क्रिस्टल्स फोड़ने के बाद मैंने यहाँ पे एंडर ड्रैगन को भी बजाना स्टार्ट कर दिया। और जैसे कि आपको पता है कि एंडर ड्रैगन मारने में मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रो हूँ, तो मैंने बहुत ही इजीली एंडर ड्रैगन को यहाँ पे डिफीट कर लिया एंड फाइनली सारे लेवल्स भी मैंने उसके कलेक्ट कर लिए। और भाई हमें यहाँ पे एग नहीं मिला, क्योंकि एग यहाँ पे पोर्टल के अंदर गिर गया था। लेकिन यार मुझे एग चाहिए भी नहीं, क्योंकि मैं जा रहा था एंड सिटी में अपना इलाइट्रा लेने के लिए। तो यार एंड सिटी में पहुँचने के बाद मैंने यहाँ पे बहुत देर तक यहाँ पे एक्सप्लोरेशन की एंड फाइनली काफ़ी देर घूमने के बाद मुझे यहाँ पे एक एंड सिटी मिल गया। और एक प्रो की तरह मैंने यहाँ पे सारे शल्कर्स को अवॉइड कर दिया एंड डायरेक्टली सारे चेस्ट को लूट लिया, जिसमें बहुत ही ओपी ओपी लूट्स थी। एंड यार एक चेस्ट में तो मुझे यहाँ पे मेंडिंग वाला आर्मर मिल गया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑसम था। एंड यार उसके बाद फाइनली मैंने यहाँ पे इलाइट्रा को भी कलेक्ट कर लिया। और भाई इसके बाद अपना काम यहाँ पे हो चुका था कंप्लीट, तो मैं डायरेक्टली इसके बाद घर आ गया। एंड घर आने के बाद मैंने अपने सारे सामान को यहाँ पे चेस्ट में ऑर्गेनाइज करके रख दिया एंड आप देख सकते हो भाई कितनी ओपी ओपी लूट मिली यहाँ पे एंड सिटी से। और इसी के साथ अपने पास यहाँ पे काफ़ी सारे लेवल्स भी मिल चुके थे, तो मैंने सारे आर्मर को लिया, पूरे बेकार से आर्मर को ग्राइंड कर दिया एंड पूरे आर्मर को मैक्स आउट एन्चेंट कर लिया। तो यार फाइनली अपना पूरा आर्मर यहाँ पे बहुत ही ओपी वाला इंजैंड हो चुका था, जैसे कि आप देख सकते हो पूरे ऑलमोस्ट आर्मर में यहाँ पे प्रोटेक्शन लगा हुआ है एंड स्वॉर्ड की तो बात ही मत करो, ये बहुत ही ज़्यादा ऑसम लग रहा है। पर यार एक प्रॉब्लम तो अपने पास अभी भी थी, अपना पूरा आर्मर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था एंड टूटने लग रहा था। तो मैंने यहाँ पे एक लेक्टेन बनाया, काफ़ी सारे स्टिक्स बनाए एंड चले गए ट्रेडिंग करने के लिए।
काफी देर फ्लेचर को यहाँ पे ट्रेड करने के बाद मेरे पास काफी सारे एमरल्ड्स आ चुके थे, तो जल्दी से मैं एक विलेजर को कैप्चर कर लिया एंड उसको मेंडिंग वाला बनाना स्टार्ट कर दिया। और आपको तो पता ही है कि मेंडिंग वाला विलेजर बनाना कितना ज्यादा डिफिकल्ट होता है, तो मैंने यहाँ पे पूरे दिन तक अपनी टाइम वेस्ट किया एंड फाइनली एक मेंडिंग वाला विलेजर आ गया। एंड उससे मैंने इन टोटल 6 मेंडिंग की बुक्स ट्रेड कर ली एंड पूरे आर्मर में मेंडिंग लगा लिया। एंड यार अब जैसे कि अपने पूरे आर्मर एंड टूल्स में मेंडिंग लगा हुआ था, तो मैं जा सकता था यहाँ पे एंशिएंट डेब्रिस माइनिंग करने के लिए एंड काफी खतरनाक नेदराइट आर्मर बनाने के लिए। तो डायरेक्टली मैं चला गया नेदर में बहुत सारे एंशिएंट डेब्रिस माइन करने के लिए। काफी देर की माइनिंग के बाद अपने पास यहाँ पे 24 एंशिएंट डेब्रिस आ चुके थे, जिसको मैंने जल्दी से दे दिया स्मेल्ट करने के लिए एंड अपने खाने को भी यहाँ पे कलेक्ट कर लिया। एंड जस्ट थोड़ी देर वेट करने के बाद अपना पूरा यहाँ पे एंशिएंट डेब्रिस स्मेल्ट हो गया था, जिसको जल्दी से मैंने कलेक्ट कर लिया। अपने पास यहाँ पे काफी सारे गोल्ड भी थे, तो जल्दी से मैंने 6 यहाँ पे नेदराइट के इनगट बना लिए। तो यार इसके बाद मैंने अपने पूरे आर्मर एंड टूल्स पे नेदराइट लगा लिया एंड अब अपने पास फुल नेदराइट का एन्चेंटेड आर्मर था, जो कि बहुत ही ज्यादा ऑसम लग रहा था। एंड यार जैसे कि अपने पास गॉड एप्पल भी था, तो अब हम लोग विदर को बहुत ही ज्यादा इजीली डिफीट भी कर सकते हैं। पर भाई उससे पहले अपने विलेज को यहाँ पे सिक्योर करना पड़ेगा, क्योंकि रात में यहाँ पे बहुत सारे मॉब स्पॉन होते हैं, अपने प्यार से विलेजर्स को मार देते हैं। तो लग गया अपने पूरे विलेज को मैं प्रोटेक्ट करने के लिए। तो भाई फाइनल अपना पूरा विलेज यहाँ पे बन के हो जाता रेडी। तो यार विलेज के आसपास मैंने यहाँ पे पूरा बैरियर लगा दिया, जैसे कि कोई भी मॉब्स अंदर ना आ पाए। एंड अंदर में तो मैंने इतना ज्यादा लाइट लगा दिया है कि भाई मैं ही ना स्पॉन हो पाऊँ, मतलब मजाक कर रहा था भाई। तो यार इसका मतलब है कि अब मॉब्स तो अपने प्यारे विलेजेस को परेशान नहीं कर सकते। इसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़े बहुत फायरवर्क्स बना दिए, जैसे कि मैं इलाइट्रा का यूज कर सकूं और आसमान में उड़ सकूं। एंड इसके बाद मुझे यहाँ पे एक लूटिंग का भी बुक चाहिए था, क्योंकि मुझे यहाँ पे विद स्केलेटन के हेड्स चाहिए एंड लूटिंग के बिना तो भाई मतलब लिटरली इम्पॉसिबल है। तो भाई मैंने यहाँ पे एक विलेजर को लूटिंग वाला बनाना स्टार्ट कर दिया एंड जस्ट थोड़ी देर में ये लूटिंग वाला बन भी गया एंड 45 एमरल्ड्स के बदले मैंने लूटिंग 3 का बुक ले लिया। देन मैंने अपने ऑलरेडी मोस्ट पावरफुल स्वॉर्ड में अपना लूटिंग भी लगा दिया और भाई ये अब तो और भी ज्यादा डेडली हो चुका है। एंड इसके बाद मैं डायरेक्टली चला गया अपने नेदर में बहुत सारे हेड्स कलेक्ट करने के लिए। फिर बस काफी देर मैंने ऐसे करके विद स्केलेटन्स को मारा और काफी सारे हेड कलेक्ट किए, बट यार इसमें काफी ज्यादा टाइम लग गया। देन यार काफी देर की मेहनत के बाद अपने पास यहाँ पे फाइनली 3 हेड्स आ चुके थे, तो डायरेक्टली मैं चला गया केव के अंदर, क्योंकि विदर को डिफीट करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है केव के अंदर डिफीट करना। हाँ मतलब अगर आप एंड में जाके विदर को चीटिंग करके डिफीट नहीं करना चाहते तो यही सबसे बेस्ट तरीका है। तो मैंने यहाँ पे विदर को स्पॉन कर दिया और कोई भी चांस ना लेते हुए मैंने यहाँ पे गोल्डन एन्चेंटेड एप्पल को खा लिया एंड विदर को बहुत ही ज्यादा इजिली डिफीट कर दिया। एंड फाइनली अपने पास यहाँ पे विदर स्केलेटन स्टार्स आ चुका था, जिसको मैंने जल्द से कलेक्ट कर लिया एंड मैं चला गया अपने घर वापस। घर पहुंचने के बाद मैंने यहाँ पे एक बीकन बना लिया, बट यार मैंने एक प्रॉब्लम नोटिस की कि अपने पास यहाँ पे ब्लॉक्स ही नहीं है बीकन को एक्टिवेट करने के लिए एंड इसकी वजह से मैं दोबारा से चला गया माइनिंग करने के लिए। फिर काफी देर माइनिंग करने के बाद अपने पास यहाँ पे इनफ आयरन आ चुके थे, मतलब लिटरली मेरे पास भर भर के आयरन थे, क्योंकि मुझे बहुत सारे माइन शॉट मिल गए थे। तो मैंने जल्दी से यहाँ पे सारे आयरन को स्मेल्ट होने के लिए दे दिया और बस थोड़ी देर वेट करने के बाद अपना पूरा आयरन यहाँ पे स्मेल्ट भी हो चुका था, जिसको मैंने जल्दी से कलेक्ट कर लिया, पूरा आयरन के यहाँ पे ब्लॉक्स बना दिए एंड बीकन बनाना स्टार्ट कर दिया। देन फाइनली मैंने अपने बीकन को भी यहाँ पे प्लेस कर दिया, मुझे यहाँ पे 2 एडवांसमेंट भी मिल चुकी थी एंड यार इसी के साथ अपने यहाँ पे 100 डेज यहाँ पे हो चुके थे कंप्लीट। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना और यार आप ये सब वीडियोस भी देख सकते हो, ये भी बहुत ही ज़्यादा ओपी है। तब तक के लिए बाय बाय।